ड्राइव अनलॉक हो रही है। इस चीज की कीमत 15,000 करोड़ यूरोज है। तुम्हें ये कहां से मिले? इसको बिकवाने वाला खुद बहुत बड़ा सीक्रेट एजेंट है। 7 कॉन्टिनेंट्स, 196 कंट्रीज, 120 सरकारें और 18 आर्मीज इस छोटे से वेपन को खोज रही हैं। एक बार ये पैसे मेरे और उसके अकाउंट में आ जाएं, फिर ये ड्राइव तुम्हारी। ये पैसे तुम तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक इसका कोड मुझे नहीं दोगे। वो कोड भी तुम्हें वो सीक्रेट एजेंट ही देगा। सिक्योरिटी को टाइट करो। आखिर ये कौन सा वेपन है जो देखने में इतना छोटा है फिर भी इतना कीमती है, जिसको बचाने के लिए इस इलाके को 3 सिक्योरिटी जोन में बांट दिया है। पहले घेरे में प्राइवेट सिक्योरिटी है और दूसरे घेरे में रूस की ब्लैक हॉक प्राइवेट आर्मी है, जिसकी नजरों से इन दर्रों से लेकर दरख्तों की ऊंचाइयों तक कोई नहीं बच सकता। और फिर है तीसरा घेरा, इसमें एक खूंखार आतंकवादी संगठन के गोरिल्ला है। ये है AK काउंटर टेररिस्ट टीम के एक खास मेंबर। 9 मिनट में खेल खत्म। ठीक है सर। पैसा ट्रांसफर हो गया। थर्मल इमेजिंग सेंसर क्लीन। हथियार तुम्हारा और पैसा तुम्हारा। हे, तुम यहां अंदर कैसे आए? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं सुब्रमण्यम स्वामी हूँ, यूरोपोल का चीफ। मैं हूँ निकोलस डेयर, रशियन माफिया का किंग। थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन, क्योंकि मैं किसी गलत आदमी को नहीं मारता। ऑल एजेंट अलर्ट। मैडम फैल जाओ। ईस्ट साइड पूरे इलाके को खेल लो। ठीक है सर। कोई बच के निकल ना पाए। दुश्मन घुसपैठ कर चुका है। गोली की आवाज अंदर से ही आई थी। उस तरफ देखो, कोना कोना छानता रहो। चलो चलो जल्दी। उस तरफ क्या है? चलो चलो। कहीं होगा। ढूंढो कहीं। वहाँ कहीं छिपा होगा। उस पे क्या तुझे? अच्छे से। उधर भी देखो। चारों तरफ ढूंढो उसे। शूट। कौन है ये जो ना तो डरता है गोलियों से और ना ही डरता है आग से? सिक्योरिटी, पूरे इलाके को घेर लो। ठीक है सर। Who are you? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? मैं कौन हूँ इसका फैसला मैं नहीं करता, जो मेरे सामने खड़ा होता है वो करता है। या तो मैं उसका दुश्मन हूँ या फिर दोस्त। बस 4 मिनट और।
दो मिनट और, भले पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, हालात मुश्किल हो जाए और चीख चीख कर तुमसे कहे कि तुम बुरी तरह हार चुके हो, मगर जब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा है तब तक कोई भी कहीं भी और कभी भी तुम्हें हरा नहीं सकता। Never, ever. Give up! Charge! मोटा भाई इधर क्यों आए हैं? अब यहाँ पर गरबा होने वाला है। गरबा तो बोट हाउस में कर लिया, इधर डांडिया खेलेंगे सर। लो इसे पहन लो। आंसू छे, सुरक्षा कवच। सर 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 सर, मैं पापा से झगड़ा करके अहमदाबाद से इधर तक आया हूँ। पापा ने बोला धंधा कर, मैंने बोला हाँ धंधा करूंगा लेकिन विदेश जाके। आप तो धंधा चालू होने से पहले बंद करा रहे हैं सर। यहाँ तो मुर्दा भी रास्ता बता रहे हैं, ये कैसी जगह है सर? ये सब लोग कौन है? इन सबको देख के मुझे बहुत डर लग रहा है सर। चालो ने पास आ जाइए सर। इंसान तो ठीक, इधर कुत्ते भी भयानक है। किसी एक आध कुत्ते ने मुझे काटा ना तो पूरे 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, वो भी अहमदाबाद जाके। इधर का इंजेक्शन महंगा पड़ता है ना सर, इसलिए। सर आर यू लिसनिंग व्हाट आई एम टॉकिंग? सर मुझे लगता है ये कोई नए टाइप का गेम है, ये हम भी खेले क्या है? ले आले एक, ले उबे। सर एक और सुपर पावर टैटू की जरूरत है, करा लूं? है कुछ तो बोलिए सर। अच्छा इधर बास्केटबॉल खेलने आए हैं, पहले बोला होता बड़े मैदान में ले जाता ने। एप्स, तुम्हें याद है ना हम यहाँ क्यों आए? शायद हाँ। तो जब मैं बोलने वाला हूँ बोल दो। कॉफी बोलूं? 5 मिनट में इनका बॉस अगर सामने नहीं आया तो इन सब की खोपड़ियाँ फोड़ दूंगा। खोपड़ी? ये फुटबॉल नहीं है, खोपड़ी है, ऐसे कैसे फोड़ेंगे? सच में फोड़ेंगे? बोल दे ने। एक मिनट और सर। हेलो पापा, अल्पेश कुमार पटेल बोलूं छू? एप्स, सर वो तो मेरा शॉर्ट फॉर्म है। मैंने आपसे कहा था ने कि विदेश जाके आपका नाम रोशन करूंगा, अब 4 लोगों को भेजो मेरी अर्थी उठाने को। ए पापा, अल्पेश कुमार पटेल, इनसे कह दूं क्या? कह दे। इनको मेरे मन की आवाज कैसे सुनाई देती है? नहीं नहीं, ए फोकस अप्पू फोकस। ए मोटा भाई, तुम्हारे बॉस को बुलाओ ना। ए बोल दिया सर, इनके बॉस की नानी की दादी की बहन गुजर गई है, वो उधर गए, 13वीं मनाने के बाद ही आएंगे, तो हम तब आएंगे। चलो, जो मैंने कहा वो तूने नहीं कहा। आपने क्या कहा जो मैंने नहीं कहा? वही जो तूने नहीं सुना। गूंगा है तो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बॉस का काम है, उसको बुलाओ। आई एम द बॉस। स्टॉप जोकिंग टकले, यू आर नॉट द बॉस। हमारे देश में जिसके हाथ में ये होती है वही बॉस होता है। अपो, गेट को अच्छे से बंद कर। करूं चुसर। हमारे देश में बॉस तमंचे से नहीं तमाचे से काम लेता है। छेक गयो गयो।
धीमे धीमे चलो चलो राइट से निकल ले राइट सर सर ये क्या कर दिया आप यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएंगे अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई सर इसको बोल टेंशन मत ले टेंशन लेगा तो बीपी बढ़ेगा और बीपी बढ़ा तो खून का फ्लो बढ़ेगा क्योंकि मैंने इसकी टांग की नस काट दी है यानी कि फेमोरल आर्टरी कौन सी लॉटरी अगर 15 मिनट में इसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ये जहन्नुम में चला जाएगा तेरे पास सिर्फ एक रास्ता है कान खोल के जो खून बह रहा है उस जगह को अपने हाथों से टाइट पकड़ तो शायद 15 मिनट की जगह 20 मिनट जी लेगा अबे सोचता क्या है एक सवाल का जवाब देने के लिए इतना टाइम काफी है बता इस लड़की के बॉयफ्रेंड को कहाँ छुपाया है तुम जिंदा नहीं बचोगे नहीं छोड़ूंगा तुम्हें टाइट पकड़ टाइट पकड़ जरा जल्दी करना टाइम बहुत कम है मेरे पास नहीं टकले के पास बच के नहीं जा पाओगे कितनी बार बोलूं टाइट पकड़ बोल ना इस लड़के का बॉयफ्रेंड किधर है बताता हूँ सर ये बोल रहा है सर नाइस हमने ही किडनैप किया था चलो इस बात की तो तसल्ली हो गई हम नताशा को ढूंढ रहे थे क्योंकि उसने बॉम्ब फोड़ने से मना कर दिया था लड़की के बारे में पूछना चाहते थे लड़के को मारा और वो लड़का टपक गया सर किधर जा रहे हैं सर धड़ाधड़ गोली चला रहे हैं वो लोग चलो ले घरे हाँ बोला आर्यन एके तुमने पूछा था ना उस लड़की के चेहरे का मैच कौन कौन सी जगहों पर स्पॉट हुआ है यप डिटेल्स आ गई हमने उन लोकेशंस को मार्क कर लिया जिस जगह पर तुम्हारा टाइम चार्ट अभी सिंक हो रहा है तुम जिस जगह पर अभी हो उसके आसपास वो लड़की बहुत बार देखी जा चुकी आर यू श्योर डैम श्योर अच्छा ये कब की बात है रेचल 12 फरवरी 2017 अच्छा इसे पूछो कि इस लड़की के बॉयफ्रेंड को कभी बंद करके यहाँ रखा था 12 फरवरी 2017 12 फरवरी 2017 वही डेट I'll call you back. जब उसे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड किडनैप हो चुका है तब नताशा यहाँ आई थी किसी तरह उसने इसे कम्युनिकेट किया होगा वो इस खतरनाक इलाके का कई बार चक्कर लगा चुकी होगी सवाल ये उठता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कांटेक्ट कैसे किया कैसे किया पूछ इससे उसकी लाश कहाँ है ए, लाश किधर है भाई बोल ले उसकी लाश हमारे आदमियों के पास है वो उसे लेकर इधर ही आ रहे हैं ये लोग तो दरवाजा तोड़ डालेंगे सर शू करूं ओपन इट बाहर जाओ बाहर जाओ उस लड़के की लाश छोड़कर बाहर जाओ कोई अंदर नहीं रहेगा आउट आउट गेट आउट बची गया उसके बॉयफ्रेंड की फोटो खींच स्माइल प्लीज हंसता ना थी सर हैमिल्टन हॉस्पिटल हेलो एक बेहोश बंदा है जिसके हाथ पे आपके हॉस्पिटल का टैग है C2386 C2386 कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है सर अभी कनेक्ट कर रही हूँ थैंक यू C2386 ये पेसमेकर का कोड है पेसमेकर हाँ इसको दिल में लगाने से हार्ट रेट रेगुलेट होता है क्या आप उस पेसमेकर के जरिए उस बंदे को ट्रैक और लोकेट कर सकती हैं आई कैन ट्राई अ पेसमेकर ऑफ है पेशेंट जिंदा है मैं बाद में फोन करता हूँ यही पेसमेकर इसके सीने में लगा हुआ था नताशा एक कंप्यूटर हैकर है उसने स्पेस मेकर को हैक करके यहाँ का पता लगा लिया
लेकिन वो अंदर नहीं आ सकी। जब इसकी मौत हुई तो पेसमेकर की भी मौत हो गई। वो कंफ्यूज हो गई। हमें इस पेसमेकर को फिर से जिंदा करना है। अब ये पेसमेकर हमें नताशा तक पहुंचाएगा। मोटा भाई, भागने का रास्ता बताओ ना। भरत मिलाप हो गया हो तो चले। मैं पीछे का रास्ता पूछ रहा हूँ सर, आगे तो मौत ही मौत है। कम या यहाँ से आए थे वहीं से जाएंगे। ये तुझे बचा लेगी। सर कैसी बातें कर रहे हैं? आपको बताया था मेरे बच्चे नहीं है। ऊपर तो ठीक है, नीचे का क्या? सब कुछ बच जाएगा। सच्चे? काम जैकेट में टाइम बॉम्ब है सर। ये बॉम्ब नहीं, यहाँ से निकलने का पासपोर्ट है। अगर किसी ने गोली चलाई तो ऑटोमेटिक ट्रिगर से हाथ हटा लेना, बॉम्ब फट जाएगा। ये पूरी बिल्डिंग राख हो जाएगी। ए भाई लोग, ए निकलो यहाँ से। बॉम्ब की जुबान ये लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि डर की कोई जुबान नहीं।